नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी खबर को लेकर हाजिर हुए हैं। इस वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी खबर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले की तरफ से निकल कर आ रही है। 10 मार्च नतीजों से ठीक पहले मायावती ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैसला लिया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मायावती ने काफ़ी ज़्यादा बड़े बदलाव किए। तो क्या कुछ बड़े बदलाव किए हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन, इस वीडियो करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और बने रहें आखिरी तक। तो आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने, रिजल्ट से ठीक 3 दिन पहले आज मायावती ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऐलान किया है। 10 मार्च से ठीक पहले बड़ा बहुजन समाज पार्टी में बदलाव किया है। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव मायावती ने किया है। नतीजों से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने बदलाव करते हुए बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं और उपाध्यक्ष हैं आनंद कुमार, यानी कि उनके भाई को, मायावती ने अपने भाई को बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं ही हैं। और आगे नेशनल कोऑर्डिनेटर का अब सिर्फ एक ही पद रहेगा, ये सब मायावती ने कहा है, और जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ आकाश आनंद को दी गई है। नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो एक पद है, एक ही पद रहेगा, और जिसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद के, यानी मायावती ने अपने भतीजे को इसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मायावती ने अपने भतीजे को दी है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है अपने भैया आनंद कुमार को, भाई को। तो साथियों आगे सांसद रामजी गौतम, सांसद अशोक कुमार, सिद्धार्थ धर्मवीर अशोक, रणधीर सिंह बेनीवाल, दिनेश चंद्र सुबोध कुमार और लालजी मेंदघर को बनाया अलग अलग जगह का प्रदेश प्रभारी। तो मायावती ने 10 मार्च से, यानी नतीजों से ठीक 3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा अपनी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बड़ा बदलाव किया है। मायावती के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आप अपनी कमेंट में राय देना। मायावती ने जिस तरीके से जिम्मेदारी दी है, इन जिम्मेदारियों पर आप क्या सोचते हो, ये भी हमें बताएं। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।